बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है। लेकिन जिस गायकी की वजह से आज हम और आप शारदा सिन्हा जी को याद कर रहे हैं, जिस गायकी की वजह से आज शारदा सिन्हा जी को पूरी दुनिया जानती है, क्या आपको पता है कि उसी गायकी की वजह से शारदा सिन्हा जी को शादी के महज 5 दिन बाद अपने ससुराल में इतना बड़ा बवाल झेलना पड़ा था कि उनकी सास ने खाना ही छोड़ दिया था। क्या हुआ था उस वक्त, पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। साथ में शारदा सिन्हा जी के जीवन से जुड़ा हुआ कुछ और ऐसी कहानी जिसको सुन के आप हैरान हो जाइएगा, चौंक जाइएगा और सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि क्या सच में शारदा सिन्हा जी के जीवन में ये सब कुछ हुआ था। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, कल शारदा सिन्हा जी ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस लिया। कल बेहद खास दिन था। खास दिन इसलिए क्योंकि शारदा सिन्हा जी को छठ गीत के लिए जाना जाता है और कल छठ महापर्व की शुरुआत थी। कल नहाए खाए था और कल के ही दिन शारदा सिन्हा जी अंतिम सांस लेती है, उनका निधन हो जाता है, हम सबको वो छोड़ के इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। शारदा सिन्हा जी का जन्म सुपौल के हुलास गाँव में हुआ था और बचपन से ही उनका संगीत में खास रुचि था। इस बात को समझते हुए शारदा सिन्हा जी के पिता ने उनको खूब सहयोग किया, शुरुआत में ही संगीत की शिक्षा उनको दिलाई और बाद में वही शारदा सिन्हा बाहर निकल के दुनिया भर में अपने संगीत के जरिए, अपने गीत के जरिए परचम लहराती है और खुद को साबित करती है। शारदा सिन्हा को 1991 में ही पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया था। अभी 2018 में पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया और उनकी उपलब्धि का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वर्तमान में भोजपुरी के कलाकार पवन सिंह जाके बॉलीवुड में गाना गाते हैं और इस बात का खबर इतना ज्यादा बनता है कि पूछिए मत। आप सोचिए कि 1989 में सलमान खान के फिल्म में शारदा सिन्हा ने कहे तोहसे सजना करके एक गाना गाया था और वो गाना इतना प्रचलित हुआ था जिसका कोई अंदाजा वर्तमान पीढ़ी के लड़के नहीं लगा सकते। उस वक्त जाके बिहार से निकल के, भोजपुरी मैथिली से निकल के एक कलाकार बॉलीवुड में गाती हैं और इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि वो कितनी बड़ी कलाकार थी और उनकी गायकी कैसी थी। हम वर्तमान में पवन सिंह से या किसी भी कलाकार से शारदा सिन्हा जी की तुलना नहीं कर सकते, तुलना हो भी नहीं सकता, लेकिन बस वर्तमान के सिचुएशन से, वर्तमान के गायकी से, वर्तमान के परिस्थिति से उनके जीवन को रिलेट करके बस आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किस तरह की कलाकार थी। शारदा सिन्हा जी लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थी। 2017 में ही उनको मल्टीपल डायलोमा नाम का एक बीमारी हुआ और उसके बाद से लगातार वो ट्रीटमेंट में थी, इलाज में थी। शारदा सिन्हा जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियों की ओर चलते हैं जिसे सुन के आप हैरान हो जाइएगा। शारदा सिन्हा जी की शादी होती है बेगूसराय में और शादी के महज 5 दिन बाद शारदा सिन्हा जी को गांव के ही ठाकुरवारी से बुलावा आता है। उनके ससुर से गांव के ठाकुरवारी में रहने वाले कुछ लोग कहते हैं कि सुने हैं कि आपकी बहू जो है वो गाना गाती है, वो भजन करती है, तो उनको ठाकुरवारी में लेके आइए और यहाँ पे वो भजन गाएंगी। उनके ससुर आते हैं और कहते हैं कि बहू, गांव के ठाकुरवारी से बुलावा है और शाम में आपको चल के वहां भजन गाना है। शारदा सिन्हा ये सुन के खुश हो जाती है और बस वो एक इंटरव्यू में कहती है कि मुझे तो गाने का बस मौका चाहिए था, मुझे गाना इतना पसंद था कि मैं गाने को एंजॉय करती थी। लेकिन उसी घर में शारदा सिन्हा की सासू माँ को ये बात पसंद नहीं थी और सासू माँ का कहना था कि इस घर में गाना बजाना तो ठीक है, घर से बाहर जाके आपको गाना नहीं है, क्योंकि इस घर की कोई भी बहू आज तक बाहर जाके गाना बजाना नहीं की है। शारदा सिन्हा जो है इस बात की परवाह किए बिना अपने सासू माँ को नाराज करके अपने ससुर के साथ गाँव के ठाकुरवारी में चली जाती है और वहाँ गाना गाती है। गाना लोगों को खूब पसंद आता है और शारदा सिन्हा कहती है कि जब वो गाना गा के आती है घर में तो उनकी सासू माँ इतनी नाराज होती है कि खाना ही छोड़ देती है और 3-4 दिनों तक ये भारी बवाल चलता है ससुराल में। शारदा सिन्हा जी एक इंटरव्यू में बताती है कि लगातार उनके पति और उनके ससुर उनके सास को मनाने में लगे होते हैं, लगातार उनके पति ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम गाना गाते माँ तो क्या आप मुझे घर से बाहर निकाल देते। 3-4 दिनों के बाद जब गांव वाले लोग भी भजन की तारीफ कर रहे होते हैं, शारदा सिन्हा जी की गायकी की तारीफ कर रहे होते हैं, तब जाके सासू माँ मानती हैं और तब जाके शारदा सिन्हा अपने संगीत को, अपने गीत को कंटिन्यू कर पाती हैं। छठ के बारे में बताती हैं एक इंटरव्यू में
कि छठ में कैसे उनकी आस्था बनी, छठ गीत कैसे उनका आया, क्योंकि आज के डेट में छठ के लिए ही शारदा सिन्हा को जाना जाता है। छठ में शारदा सिन्हा का गीत न बजे ऐसी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जब भी छठ का नाम आता है, महापर्व का जो है चर्चा होता है, तो कानों में एक धुन बजने लगती है और वो धुन होता है शारदा सिन्हा जी के गीत का। तो ऐसे में शारदा सिन्हा जी बताती हैं कि जब वो आती थी बचपन में अपने ननिहाल पटना में, छठ पर्व होता था और गंगा किनारे जाती थी तो छठ का गीत गाया जाता था। ऐसे में वो गीत उनको इतना पसंद आया कि उसको अपने अंदाज में शारदा सिन्हा ने गाना शुरू किया और धीरे धीरे करके शारदा सिन्हा का गीत इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रचलित हुआ, इतना सुना जाने लग गया कि आज के डेट में शारदा सिन्हा जी को छठ के साथ जोड़ दिया गया है। छठ जहाँ भी जो है होता है, छठ का कोई घाट हो जाए, शायद ही ऐसा कोई घाट होगा यूपी, बिहार, झारखंड या पूरी दुनिया में जहाँ शारदा सिन्हा जी का गाना न बजे। तो ऐसी थी शारदा सिन्हा जी, और अब छठ के शुरुआत के दिन ही शारदा सिन्हा जी का छोड़ के जाना इस दुनिया को बेहद दुखद है। और देखिए ना, ये महज एक संयोग है या फिर चमत्कार है या फिर छठी माई की कृपा है, क्या है इसे समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस शारदा सिन्हा जी को छठ महापर्व से जोड़ के देखा जाता है, जिस शारदा सिन्हा जी का गीत छठ के हर एक घाट पे बजता है, वही शारदा सिन्हा उसी छठ महापर्व के पहले दिन यानी नहाए खाए के दिन इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, लगातार जो है ऐसे पोस्ट आपको दिख रहे होंगे जिसमें शारदा सिन्हा जी को अपने अपने तरीके से लोग याद कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं शारदा सिन्हा जी के बारे में वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।